एनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि जो हमारे NRI भाई बंधु होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हमारे भाई बंधु होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में वो बिल्डर्स की भी बहुत बड़ी पसंद होते हैं, रिश्तेदारों की भी वो बहुत बड़ी पसंद होते हैं। जनरली रिश्तेदार भी उनको बताया करते हैं कि यार पाजी इतने ए मिल रहा है, इतने ओ मिल रहा है, तुसी पैसे ला दो, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और कई बार NRIs भारत प्रेम में, भारत से उनको प्रेम होता है अपनी धरती से, अपनी माँ से, तो वो उस प्रेमवश कई बार कुछ प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। और उसको खरीदते समय या उन प्रॉपर्टीज़ को जो उनको विरासतन कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उनमें वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दोस्त उनको ठग लेते हैं। और उस ठगी के बाद उनको इतनी घृणा हो जाती है, इस घृणा में वो कई बार हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों को अपशब्द कहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ होता है। तो अब हम आज के वीडियो में ऐसा ही एक केस ले रहे हैं और हम कोशिश करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट्स में जा करके कमेंट डालिए, और या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो तो आप कमेंट्स में डाल करके उस घटना का मुझे हल्का सा डिटेल भेजिए, या आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं कोई वकील नहीं हूँ, पर बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस इन रियल इस्टेट, बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस इन, थोड़ा मुझे शौक़ है इस तरह की चीज़ों को पढ़ने का। मैं जजमेंट्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कंज्यूमर कोर्ट्स के अक्सर मैं जब फ्री होता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने उस नॉलेज को जो थोड़ा बहुत भी मुझे है आप तक प्रसारित करूँ। और आज मैं एक ऐसा केस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, केसेस तो बहुत हैं लेकिन आज एक ऐसा केस जिसमें एक NRI को विरासतन कोई संपत्ति मिलती है, जो कि विरासतन मिली है तो उनके चार भाइयों को बराबर बराबर वो संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लीजिए कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, अब एग्रीकल्चर लैंड जब चार भाइयों को मिली, सपोज़ लेट अस टेक इट कि वो 20 एकड़ के आसपास है, तो वो मुश्तरका खाता बोलते हैं उसको, ज्वाइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि जब वो ट्रांसफ़र होती है तो आपकी जो फर्दें होती हैं, जो आपका जमाबंदी होती है, उसमें उन चारों भाइयों का नाम डल गया। उन चार भाइयों से फॉर एग्ज़ाम्पल एक भाई NRI है और वो विदेश में रहता है और उसकी बहुत अच्छी वहाँ पर संपन्न है, ही इज़ वेरी डूइंग वेरी गुड बिजनेस। अब जो हिंदुस्तान में जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके भाई हैं, कभी कभी ऐसा होता है, दुर्भाग्यवश सबके साथ तो नहीं होता, पर जिनके साथ हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो उस प्रॉपर्टी में कुछ गेम खेल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी हाईवे को, रोड को टच करती हुई है, तो अब वो मुश्तरका खाता है। मान लीजिए वो 20 एकड़ लैंड थी जिसमें से करीब 3 एकड़ का फ्रंट था जो हाईवे को टच करता था, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, चार भाई हैं तो हर भाई के हिस्से में 5-5 एकड़ डिवाइड होती है। मुश्तरका खाता की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें हिस्से लिखे होते हैं कि आपके चार हिस्से हैं, लेकिन डिवीज़न नहीं होता है। जब वो डिवीज़न हो जाता है तो उसको सालिम बोलते हैं, सालिम को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अब भाई लोग प्यार में NRI को समझाते हैं कि की करना है, तुसी तो उठे रहते हो, करा लेंगे कभी भी बाद में। और जो NRI है वो बाहर है, वो कई बार 2-2 साल 3-3 साल तक इंडिया में नहीं आता। इस बीच में उसको पता चलता है कि जो रोड से कनेक्टेड 2-3 एकड़ प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर दिया है, या कोई होटल बना दिया है, या कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि उसका फ्रंट चला गया है, जबकि वो ज्वाइंट खाते में थी। अगर कुछ भी करना था तो चारों भाइयों को आपस की सलाह से करना चाहिए था। जो भी डिवीज़न अगर नहीं हुआ है तो जो भी बना है उसमें सबका चारों का हिस्सा होगा। उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कर दी और कंस्ट्रक्शन करके फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट के लोगों से मिल मिला करके वो प्रॉपर्टी उन्होंने आगे सेल भी कर दी। ख़रीदार को उन्होंने ये कन्विंस कर लिया कि हमारा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये हमारे ही नाम पे आएगी बाद में, तो इसलिए हम आपको एफिडेविट दे देते हैं कि ये हमारा। ख़रीदार भी ऐसे ही थे, बगैर डिवीज़न हुए जब तक खाता सालिम ना हो, अलग अलग फर्द में अलग अलग लोगों के नाम ना हो तो ख़रीदनी नहीं चाहिए, बट वो सस्ती मिलने के चक्कर में उन्होंने ख़रीद ली। अब कुछ दिनों बाद NRI को पता चलता है कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है कि उसकी जो प्राइम लोकेशन की जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी उसका फ्रंट ही उसके रिश्तेदारों ने आगे सेल कर दिया है, और पीछे वाला पोर्शन जो बचा है उसकी मार्केट में वैल्यू आधे से भी कम है। आज का वीडियो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, इस तरह की खास घटनाओं से बचने के लिए, मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ जिनको आपको हमेशा ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। पहली चीज़ तो हर एक साल बाद अपनी जमाबंदी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत मामूली बात है। यहाँ तक हो जाता है कई बार
कि पटवारी वगैरह से मिल करके, तहसीलदार वगैरह से मिल के, नायब तहसीलदार से मिल के और हिंदुस्तान में मिलजुल के काम करने का बड़ा ट्रेंड है। साथ में माया भी चलती है। मिल करके आपका नाम भी फर्ज से हटवाया जा सकता है, और एक बार नाम हट गया तो जिसने हटाया उसके लिए तो इट्स जस्ट ए क्लरिकल मिस्टेक, कोई सज़ा का प्रावधान नहीं। अगर उनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने की सज़ा कर दो कि अगर इस तरह की कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी तो आपको 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। फिर देखो मजा लेगी कोई फर्ज से नाम हटवा दे, पर ये है नहीं हमारे देश में। और चलो उतना तो मैं नहीं इम्प्रूव करा सकता, बट अगर आप चिट्ठियाँ लिखें प्रधानमंत्री को, आजकल सब चीज़ें बिल्कुल ईजिली एक्सेसिबल हैं। इस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो आए ही इस बुनियाद पे हैं कि हम पंजाब से करप्शन हटा देंगे। उनकी भी एक ईमेल आईडी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दे रहा हूँ। आप उनमें अगर इस तरह की चीज़ें लिखें कि आपके साथ ऐसा हुआ है और क्यों ना इसमें सज़ा का प्रावधान हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देश में हर चीज़ सुधर रही है, धीरे धीरे उसमें कंप्लेन आने पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप उस पर लिख सकते हैं। सेकेंडली, आप हर साल फ़र्द निकलवाएं अपनी और फ़र्द में अपना नाम चेक करें कि वो है कि नहीं। सेकेंडली, आप अपने जिन रिश्तेदारों को आपने प्रॉपर्टी दी है उनके अलावा भी किसी और रिश्तेदार से बहुत अच्छा संबंध बना के रखिए। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट उनसे इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप 3 महीने में 6 महीने में या जब वो फसल कट रही हो, जब वहाँ पर खेती हो रही हो, जिसको आपने पट्टे पर दे रखी है, खेती पर दे रखी है, वो 3 महीने 6 महीने में आपकी ज़मीन का एक वीडियो बना के भेजा करें। कुछ ऐसी निशानियाँ आप वहाँ पे लगा के रखिए, कुछ ऐसे पेड़ आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे बना सकते हैं, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट वहाँ पे बना सकते हैं जिससे जब वो वीडियो भेजा जाए तो आप उसको पहचान सकें कि आप ही के खेत हैं, आप ही की प्रॉपर्टी है। ये आप एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। थर्डली, अगर आपके साथ ऐसा हो ही जाए उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे, किस किस फोरम में जाके आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फोरम है NRI सेल। लेकिन NRI सेल में जाने से पहले हमेशा याद रखिए, अगर आपने खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके पास इसका पूरा डिटेल प्रॉपर होना चाहिए कि जब आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपको पैसा कहाँ से आया था, कैसे आया था। क्योंकि जैसे ही आप NRI सेल में जाएंगे तो दूसरा एंगल भी आ जाता है कि आपके पास फंड्स आए कहाँ से थे, वो भी आपको प्रूव करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है तो आप धड़ल्ले से NRI सेल में जाइए, वहाँ से बहुत स्पीडी एक्शन होता है। आपने देखा होगा जब किसी महिला का उत्पीड़न होता है, किसी लेडी के साथ कुछ गलत होता है, तो उसके लिए 3-4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो पैरेलली साइमल्टेनियसली अपने केस को चला सकती है। FIR कर सकती है क्रिमिनल केस के लिए, महिला सेल में जा सकती है, उसके बाद मानवाधिकार में जा सकती है, और इन सभी जगहों पे वो एक साथ जा सकती है। कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट ये नहीं कहती कि आप इस केस को वहाँ पे नहीं ले जा सकते। वो सिर्फ उन केसेस में होता है जहाँ पे ज्यूरिडिक्शन का मैटर होता है और जहाँ पे सेम केस के, सेम कॉज ऑफ एक्शन के किसी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही अलग है, मतलब कोर्ट अलग है, महिला सेल अलग है, देन आपका जो ह्यूमन राइट्स सेल है वो बिल्कुल अलग है। तो आप तीनों जगह पर जाके चल सकते हैं। इसी तरह से आप NRI सेल में जा सकते हैं। सेकेंडली, आप तहसीलदार के अगेंस्ट में, SDM के अगेंस्ट में प्रॉपर रिटर्न FIR, सीधे FIR, फोर्जरी की धारा लगती है इसमें कि आपने पैसा खा, आप तो यही ब्लेम लगाइए कि आपने मिलजुल करके और गलत रास्ता अपना करके आपने हमारा नाम जानबूझ के हटाया। जब आप FIR करेंगे तो ओनस टू प्रूव दैट इट वॉज नॉट डन डेलिबरेटली विल बी डेफिनेटली ऑन दोज अथॉरिटीज़, दोज हु हैव डन इट। तो आप सबसे पहले आप बेटर फुटिंग पे आ जाओगे अगर आप उनके अगेंस्ट में FIR कर देते हैं। और एक बार इस तरह की 2-4 FIR होती हैं तो डिपार्टमेंट खुद ही समझ जाता है कि नहीं यार, NRI के केस में पंगा नहीं लेना। थर्ड है, जिस रिश्तेदार ने इस तरह का फ्रॉड किया है उसके ऊपर 420 का फ्रॉड का, इसका भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी आप प्रॉपर वे से FIR करा सकते हैं। और उस समय बहुत रिश्तेदार बुआ चाची आ जाएगी कि घर का मामला है, बाहर जाएगा, किसी की मत सुनो। तब घर का मामला नहीं था जब आपके साथ गलत हो रहा था। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल इन दिस अप्रोच। डोंट लिसन टू एनीबडी। इफ समबडी हैज़ डन रॉन्ग विद यू, समबडी हैज़ कॉज यू एनी फाइनेंशियल लॉस, ही हैज़ टू सफ़र। तो उसको करने के लिए आप कोई रिश्तेदारी में वकील मत हायर करें, प्रोफेशनल वकील, अच्छे वकील, अच्छी लीगल फर्म्स होती है उनको हायर करें, और उसके बाद फिर आप उस प्रोसेस को करें। और एक प्रिकॉशन तो ज़रूर लेते रहिए, हर 2-3 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट ज़रूर बनवाइए। सर्च रिपोर्ट में सब 13 साली रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, 10-11 हज़ार रुपये फ़ीस होती है नॉर्मल वकील की। 3 साल में 10-11 हज़ार रुपये सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर वे से चल रही है, मेंटेन हो रही है। वो वकील पूछता है कि ये फ़र्द आपको किस लिए चाहिए, आप उसको कह सकते हैं कि हमें लोन अप्लाई करना है या एनीथिंग। मतलब पहली बात तो वो जस्ट पूछते हैं आपको
आपने उनको काम दिया वो सर्च रिपोर्ट बना के दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनके साथ भी इस तरह की कोई घटना घट रही है उनके लिए वीडियो सफिशिएंट था। फर्दर आप कमेंट्स में प्लीज़ फ़ोन ना करें, फ़ोन अटेंड करने का मेरे पास समय नहीं हो पाता है। आप कमेंट्स में YouTube के कमेंट्स में जाके डालिए, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें बात करना आवश्यक है तो उसके लिए खुशबू मैम का नंबर दिया हुआ है 9888150151, इस पर आपको पेड कॉल बुक करानी होती है। आप कॉल बुक कराएं, आपको समय दे दिया जाएगा। उससे पहले आप YouTube में अपनी प्रॉब्लम लिख के डाल दें ताकि मैं उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकूं और उस समय में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर आपके कमेंट्स में आप अपनी कोई इस तरह की प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना के सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूँगा, आपके समाज के जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है उनकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। भारत एक अच्छा देश है, भारतवासी बहुत अच्छे लोग हैं। प्लीज़ अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पूरे देश को गलत समझने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। हाँ भाई, धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि धन्यवाद, वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।